सो गाइस, आप लोग वेट कर रहे हैं टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर का, मुझे पता है क्योंकि ग्लोबली लॉन्च हुआ है 48 मेगापिक्सल ड्यूल सेल्फी कैमरा के साथ, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। लेकिन इंडिया पे कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है टेक्नो कैमोन 16 जो कि 64 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च हुआ है। प्राइस रखा है फ्लिपकार्ट में 10,999 और उसी का एक लाइट वर्सन अभी लॉन्च हुआ है जो कि है टेक्नो कैमोन 16S। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये फ़ोन भी आने ही वाला है और फाइनली वो फ़ोन लॉन्च हो गया है। तो आज इस वीडियो में टेक्नो कैमोन 16S के बारे में जानेंगे, क्या फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है, क्या लुक और डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, किस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, उससे पहले चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा उसको जरूर दबाइए। इंडिया पे तो लॉन्च नहीं हुआ है टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर, लेकिन बाहर का बहुत सारा कंट्री में लॉन्च हो चुका है और इंडिया पे भी शायद बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें टेक्नो कैमोन 16S का जो कि अभी लॉन्च हुआ है, तो ये एक लाइट वर्सन फ़ोन है। इसका लुक और डिज़ाइन जो है डिफरेंट है। अगर आप टेक्नो कैमोन 16 और 16 प्रीमियर देखेंगे तो लुक और डिज़ाइन लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 16S देखेंगे तो इसका लुक और डिज़ाइन बहुत ही अलग है क्योंकि फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है। बैक साइड में जाएंगे तो आपको अलग डिजाइन देखने को मिलेगा, चार कैमरा आपको जो है ऐसे सर्कल में देखने को मिलेगा और आपको जो है बैक साइड में भी फिंगरप्रिंट सेंसर और बैक साइड में टेक्नो का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है टेक्नो कैमोन 16S का लुक और डिजाइन। अगर बात करते हैं इसका बैक पैनल का, तो आपको प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल देखने को मिलेगा। अगर बात करें फीचर्स का, तो इस मोबाइल में आपको 6.6 इंच का एक पंच होल डिस्प्ले दिया गया है जो कि एक HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, यानी 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन आपको इस डिस्प्ले में मिलेगा। मतलब एक ठीक ठाक क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन एक खास बात यह है कि आपको पंच होल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर बात करते हैं कैमरा का, तो कैमरा इसका हाईलाइट फीचर्स है क्योंकि इस मॉडल में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वेड कैमरा देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल दिया गया है और जो सेकेंडरी सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का है, थर्ड वाला सेंसर 2 मेगापिक्सल है और लास्ट वाला सेंसर जो है वो AI सेंसर दिया गया है और साथ में चार यानी क्वेड LED लाइट आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो उतना ज़्यादा अच्छा तो कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं इसका फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा का, तो पंच होल के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा जिसमें भी आपको LED लाइट मिल जाता है, ड्यूल LED लाइट आपको सेल्फी में भी देखने को मिल जाएगा इस मोबाइल में। और अगर बात करते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज का, तो आपको 4GB का रैम मिलेगा और साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इस मोबाइल को लॉन्च किया गया है। तो 4GB सही है और 128GB मुझे ज़्यादा लगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्टोरेज इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बात करते हैं बैटरी का, तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है, साथ में आपको किसी भी तरह का फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा, iOS 6 देखने को मिलेगा, 7 नहीं दिया गया है इस मोबाइल में। और इसके अलावा भी बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट है और इस मोबाइल में आपको माइक्रो USB का सपोर्ट मिलेगा, USB टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और अगर बात करते हैं प्रोसेसर का, तो इस मॉडल में आपको MediaTek Helio P22 जो कि बहुत ही पुराना प्रोसेसर है वो दिया गया है। तो नॉर्मल सा एक प्रोसेसर है, मतलब इस मॉडल का प्राइस इंडिया पे बहुत ही कम होने वाला है और ये फ़ोन अभी ग्लोबल साइड में लिस्टिंग किया गया है। फाइनली ये फ़ोन को अभी तक इंडिया पे लॉन्च नहीं किया है, देखते हैं ये फ़ोन इंडिया पे कब आता है। अगर इंडिया पे लॉन्च होता है तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा और प्राइस सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 10,000 के अंदर ही प्राइस होने वाला है। तो यार ये था टेक्नो कैमोन 16S का फुल डिटेल्स जो कि ऑफिशियली निकल के आ गया है। आपको कैसे लगा ये मोबाइल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना, बाजू में बेल का घंटा उसको जरूर दबाना। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।